कासगंज सिड़पुरा ब्लॉक के गांव सैलोट में 20-25 भैंस मर चुकी है। बताया जा रहा है पका की बीमारी बोलते हैं। पका की बीमारी में भैंसों के खुर पक जाते हैं और मुंह भी पक जाता है। मुंह पकने के कारण भैंस जल्दी मर जाती है। कितना भी इलाज चलाओ फिर भी भैंस ठीक नहीं हो रही है। गांव के लोगों ने सिड़पुरा ब्लॉक में कहने आए, भैंस मर रही है, भैंसों को टीका लगना है, तो ब्लॉक वालों ने कह दिया लग जाएंगे। लोग घर वापस आ गए। ब्लॉक से कोई टीका लगाने के लिए नहीं आया, भैंस मरती जा रही है। हुबलाल पुत्र नित्रपाल, ठाकुरदास पुत्र भजन लाल की भैंस आज मर गई। भैंस मरने का आंकड़ा है 20 से 25। नमस्कार दोस्तों, मैं आई हूँ है जनपद कासगंज के कस्बा सुरपड़ा के गांव सैलोट में, जहां पर बताया जा रहा है कि गांव सैलोट में भैंसें मरती जा रही हैं। आइए लोगों से जानते हैं। आपका नाम क्या है? मोतीलाल साहब। क्या परेशानी है? भैंस बीमार पड़ती है, गला रुकता है, क्या पता होता है, चारा नहीं खाती है और डॉक्टर दिखाते हैं तो हल नहीं पड़ता है और 2 दिन में मरती जाती है। कितनी मर चुकी है? लगभग 20 भैंस मर चुकी है। 20 भैंस मर चुकी है। कहीं पर सूचना दी डॉक्टर वगैरह को? हाँ, ब्लॉक में सूचना दी थी। कोई आया था? बताते हम तो नहीं गए थे, गांव के लोग गए थे ब्लॉक में, वहाँ आए बोले कि टीका लग सकते हैं। कोई टीका नहीं लगाया हुआ? कोई नहीं लगाया गांव में, कोई आए नहीं है। तो अभी तक कितनी भैंसें मर चुकी हैं? 20 भैंसें मर चुकी हैं और जानवर बहुत मर गए, छोटे 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 बच्चे। चलो थैंक यू सर।